नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, नेशनल प्राइवेट आईटी। आज हम चर्चा करेंगे रेसिस्टेंस बिल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि जो भी बिल्डिंग चैप्टर है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये किस टाइप का बिल्डिंग है। पहला, ये प्रेशर बिल्डिंग है कि नॉन प्रेशर बिल्डिंग है। तो यह एक प्रकार का क्या है? प्रेशर बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? प्रेशर बिल्डिंग आता है। ठीक है, अब दूसरा में आता है यह किस प्रकार का बिल्डिंग है? स्टेट में लिक्विड स्टेट है कि सॉलिड स्टेट है कि सॉलिड लिक्विड स्टेट है। तो यह लिक्विड स्टेट में हमारा आता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में आता है। ठीक है, और हमारा जो ये जो है होमोजीनियस बिल्डिंग है। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट बिल्डिंग में तो हम पहला जो है देख चुके थे। लिक्विड स्टेट में जो है हमारा जो है केमिकल बिल्डिंग जो है आता है। केमिकल बिल्डिंग के दो हम चैप्टर कर चुके हैं, गैस बिल्डिंग और थर्मिट बिल्डिंग। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे अब रेसिस्टेंट बिल्डिंग के बारे में। रेसिस्टेंट बिल्डिंग में जनरली क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था, अगर जो है डीएमआरसी की बात करें, डीएमआरसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग में कॉपर रड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ये रेसिस्टेंट वेल्डिंग, याद रखिएगा। दूसरा में क्या है कि इसमें जो है इलेक्ट्रोड रड, जो हमारा जो है रड होता है, जो हमारा रड का प्रयोग किया जाता है, जो मेरा फिलर मेटल रहता है, फिलर रड, तो उसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि दो मेटल को आपस में जोड़ने के लिए उसमें जो है हीट जो है जनरेट करने के लिए, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जो है उसमें जो है हीट जनरेट करके आपस में जो है मेल्ट करके उसमें जोड़ा जाता है। रेसिस्टेंट वेल्डिंग का यही फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। तो हीट ऑब्टेन द, यही चीज़ बोला गया है कि दो मेटल्स है उसके बीच में अगर हम करंट पे प्रवाहित किया जाए तो बीच में जो है अगर सरफेस रहा तो इसमें रेजिस्टेंट पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और ये जो है क्या हो जाती है, हमारा जो है क्या बन जाती है, इससे जो है मेल्ट मेल्ट हो जाती है और आपस में जुट जाती है। ठीक है, यही चीज़ में बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिक जो करंट कितना होता है, 3000 से 1 लाख तक। ठीक है, 3000 से 1 लाख एम्पियर तक होता है। जनरली अगर पूछता है कहीं 50,000 तक रहता है, तो याद रखिएगा 3 लाख से 50,000, 3000 से 50,000, 3000 से 1 लाख एम्पियर तक रहा तो ये क्या है? रेसिस्टेंट वेल्डिंग है। ठीक है, इसमें वोल्टेज रहता है 1 से 25 वोल्ट, वोल्ट बहुत कम रहता है। ठीक है, 1 से 25 वोल्ट। अगर जो आपसे पूछा अगर करंट रहा तो 3000 से 50,000, अगर लार्ज में रहा तो 3000 से 1 लाख तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। देखिए यही चीज़ है यहाँ पे। देखिए, लो रेसिस्टेंट कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाई रेसिस्टेंट एट द जॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है, दोनों मेटल के बीच में देखिए यहाँ पे हाई रेसिस्टेंट पैदा होती है, जिसके कारण ये जो आपस में क्या होती है, जुट जाती है। ये देखिए जो रड है हमारा जो दिख रहा है कॉपर रड है, इसको जो है ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, और जिसके कारण बीच में जो है रेसिस्टेंट हाई रेसिस्टेंट पैदा हो रही है। ठीक है, द वेल्डिंग ऑफ ओवरलैपिंग पीसेस ऑफ मेटल अ स्मॉल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स ए पुल ऑफ मोल्टेड मेटल एंड क्विकली कूल्ड सॉलिडिफाई इनटू राउंड जॉइंट इज नोन एज नगट। ये तो हमारा जैसे कि अगर हम जो है यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसमें जो है इलेक्ट्रोड को जो है यहाँ पे जो है सप्लाई दे रहे हैं, तो बीच में एक नगट टाइप से तैयार हो जाता है बीच में। ठीक है, बड़ा टाइप से, तो इसी को नगट बोलते हैं, जो आपस में जोड़ने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं रेसिस्टेंट बिल्डिंग का एडवांटेज देख रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है? फिलर रड नोट का, फिलर रड नहीं प्रयोग होता है। ये लेस स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो है कोई भी जो है व्यक्ति जो है मतलब जो कम जो है स्किल्ड रहे वेल्डिंग करने के लिए, उससे भी जो है ये कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत सिमिलर और डिसिमिलर मेटल कैन बी वेल्ड। इसमें जो क्या होता है, दोनों तरह का जो है मेटल को वेल्ड कर सकते हैं। मान लिया लोहा है, लोहे की जगह लोहा नहीं रहा, दूसरा कुछ मेल्टिंग करना है दोनों को, ये लोहा है यहाँ पे, मान लीजिए ये आयरन है, इसमें दूसरा कुछ मेटल रहे तो इसमें भी हम जोड़ सकते हैं। आयरन ना छोड़ के दूसरा कोई रहे तो इसमें हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, यानी जो है इससे क्या होता है कि बहुत ही फास्ट तरीके से हम वेल्डिंग कर सकते हैं, जो भी जो है वेल्डिंग बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज हाई, यानी जो पहला जो सेटअप करने के लिए बहुत ही हाई होता है इक्विपमेंट, क्योंकि ट्रांसफर का जरूरत पड़ता है, उसमें जो है मशीन्स की जरूरत होती है, तो इस कारण जो इसका जो कॉस्ट हाई होता है। वर्क पीस ऑफ हायर थिकनेस कैन नॉट बी वेल्ड, ठीक है, जो मोटे मोटे जो थिकनेस वाले होते हैं इससे जो वेल्ड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है,
स्पेशल सरफेस प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, यानी जो है इसके लिए जो है अलग सरफेस चाहिए, दो चीज़ को वेल्ड करना है उसके लिए स्पेशल सरफेस चाहिए, वहीं रख कर उसको वेल्ड किया जा सकता है। इसका अब उपयोग देखेंगे कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ज्वाइनिंग ऑफ सीट, सीट को जोड़ने में, बार, रड, ट्यूब्स, ठीक है, ये सब को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। वेल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, यानी एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल पार्ट्स में जोड़ने के लिए जो रेसिस्टेंट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशंस याद है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है टाइप्स ऑफ में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ में, पहला टाइप से हमारा स्पॉट वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंट वेल्डिंग है, पहला टाइप से हमारा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में होता क्या है कि वही चीज़ें इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है यहाँ पे एक जगह में, एक पार्टिकुलर पॉइंट, तो जहाँ भी जाता है पार्टिकुलर पॉइंट बना बना के कुछ गेप करके जो है वहाँ पे जो क्या होता है वेल्डिंग होता है, ठीक है, इसमें जो है वेल्डिंग होता है। इसमें लेप ज्वाइंट ही जरूरी है, लेप बिना लेप ज्वाइंट का इसमें नहीं होगा। लेप ज्वाइंट करके वहाँ पे लेप लेपिंग, दो मेटल को जो है, दो वर्कपीस को आपस में जो है लेप करवा के वहाँ पे जो है वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्पॉट, स्पॉट वेल्डिंग इसी कारण के जैसे कि स्पॉट तैयार होता है, यहाँ भी स्पॉट तैयार होगा, देखिए यहाँ भी स्पॉट तैयार होगा, यहाँ भी स्पॉट तैयार होगा, दोनों को जुटेगा तो ये जो है लीक प्रूफ ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका जो है, इसका और भी देखिए फायदा, अप टू 3 mm थिकनेस, यानी 3 mm थिकनेस के लिए ये पर्याप्त है, इससे ज़्यादा के लिए पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3000 से एक लाख तक एम्पियर तो पता ही था, इसका टेम्परेचर 800 से 900 होता है, 815 से 930 तक, ठीक है, इतना याद है। आगे देखते हैं एडवांटेज इसका, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है ये लो कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन का कॉस्ट लो होता है, लेस स्किल्ड लेबर, ये तो पता है, एज प्रिपरेशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी जो है जैसे कि होता है अगर हम बट ज्वाइंट करें तो दोनों जो है प्लेट को बैठाने में टाइम लगता है, तो इसमें एज बैठाने की जरूरत नहीं है, जैसे भी कर सकते हैं आप, लेपिंग कर दीजिए दोनों प्लेट को ऊपर से तो ये हो जाएगा। वेल्डिंग स्पीड वेरी हाई होता है, स्पॉट वेल्डिंग में वेल्डिंग स्पीड वेरी हाई होता है, ठीक है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर और ऑटोमोबाइल में ये जनरली उपयोग होता ही है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज यही है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये जो है लीक प्रूफ ज्वाइंट नहीं होता है इसमें, ठीक है, लीक प्रूफ ज्वाइंट नहीं होता है। आगे देखेंगे सीम वेल्डिंग, ठीक है, दूसरा नंबर का पॉइंट है सीम वेल्डिंग। हमारा सीम वेल्डिंग एक प्रकार का स्पॉट वेल्डिंग है, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग को ही सीम वेल्डिंग बोला जाता है। ये जो RRB JEE का जो इस बार का क्वेश्चन में जो है आया हुआ था 2019 के एग्जाम में, तो कंटिन्यूस सीम, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, सीम वेल्डिंग बोलते हैं, सीम वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज रेसिस्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस वेयर द कॉलेंसियल एट द सर्फेस इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑब्टेंड द रेसिस्टेंट टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू द वर्क पार्ट अंडर प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। यही चीज़ बोल रहा है, इलेक्ट्रोड के प्रेशर के द्वारा जो है इसमें वेल्डिंग होता है, ठीक है, दो पार्ट्स को जोड़ा जाता है। और जो स्पोर्ट देखिए, स्पोर्ट वेल्ड्स आर प्रोग्रेसिवली एलोंग ए जॉइंट बाय रोटेटिंग ए सर्कुलर इलेक्ट्रोड। देखिए इसमें, उसमें इलेक्ट्रोड क्या होता था, ऐसा इलेक्ट्रोड होता था, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोड है, दो को इलेक्ट्रोड यहाँ पे मेटल जुट रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये सर्कुलर मेटल है, ठीक है, सर्कुलर मेटल है कि आपस में जोड़ना है। मान लिया जाए ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस, इसमें जोड़ना है तो इसमें रोलर घुमाया जाता है, ये रोलर है, ठीक है, यहाँ से ये रोलर के द्वारा जो है हमारा जो है इलेक्ट्रोड को रोलर बना दिया जाता है, यहाँ पे करंट प्रोवाइड किया जाता है, इसको जो है प्रेशर के द्वारा जो है आगे ले जाया जाता है, तो जिससे क्या होता है कंटिन्यूसली जो है स्पॉट वेल्डिंग तैयार हो जाता है और जो लीक प्रूफ जो होता है, ठीक है। ये जो स्पॉट वेल्डिंग क्या था, लीक प्रूफ नहीं होता था, लेकिन ये जो सिम वेल्डिंग लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या बोल रहा है, व्हील्स, देखिए व्हील्स, ठीक है, बिटवीन द प्लेस एंड व्हील्स, व्हील्स का प्रयोग होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग स्पीड ऑपरेशन, कूलेंट भी इसमें डाला जाता है, ठीक है, जैसे जैसे वेल्डिंग होते जाता है कूलेंट इसमें डाला जाता है। आगे देखते हैं ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग, देखिए एडवांटेज, इट कैन प्रोड्यूस गैस और लिक्विड टाइट करता है, मतलब कि गैस और लिक्विड इसमें जो है लीक प्रूफ ज्वाइंट होता है, गैस लिक्विड इसमें रख सकते हैं इस प्रकार के वेल्डिंग अगर जो है किसी जो है किए जगह पे तो मेटल में। ए सिंगल सीम वेल्ड और सेवरल पैरेलल सीम में भी प्रोड्यूस, ठीक है, यह जो है एक जैसे कि ये जो दिख रहा है ये सेवरल है, अगर सिंगल पास कर सकते हैं या फिर उसमें डबल भी पास कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म ओनली स्ट्रेट और यूनिफॉर्म कर्व्ड लाइन, ये जो स्ट्रेट हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, कर्व हो सकता है, ठीक है, इसका भी जो है 3 mm से कम वेल्डिंग, ठीक है, 3 mm से कम ही जो है इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
3 mm से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, देखिए कॉइल्स कैन प्रोड्यूस बाय द करंट। देखिए इसमें होता क्या, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो आपको फिगर जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड्स हमारा जो दिख रहा है, ठीक है ठीक है, और इससे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पे ये वर्क पीस है हमारा दोनों, इसमें जो इलेक्ट्रो इसमें जो हमारा करंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें होता क्या है, मान लिया जाए ये प्लेट है हमारा जिसको जोड़ना है, तो इसमें आपस में हमारा जो है ये जो दिख रहा है, और यहाँ पे जो है हमारा जो दोनों को ये दोनों मेरा वर्क पीस है, तो यहाँ पे जो सीम टाइप से जो दिखता है ये इसी यही जो है यहाँ सटता है, तो धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाता है, ये मेल्ट होके जो है यहाँ पे आपस में जो है ये दोनों चिपक जाते हैं। तो इसी तरह का जो है परफॉर्म होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आगे देखते हैं, अब देखते हैं लास्ट हमारा जो है टाइप में है बट वेल्डिंग, रेसिस्टेंट बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग दो तरह के होते हैं, एक ऑफसेट बट वेल्डिंग होता है, एक फ्लैश बट वेल्डिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या फंक्शंस क्या होते हैं जरा दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए इसमें होता क्या है हमारा, कि ये हमारा वर्क पीस है, नहीं वर्क पीस हमारा ये है, ये पाइप है, इसमें जो पाइप है पाइप को हमें जोड़ना है आपस में दोनों। तो बट में क्या होता है कि दोनों सरफेस को लेपिंग नहीं होता है, दोनों को आपस में उसके कोर में एज में ही जो है लगा के जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये दोनों वर्क पीस हमारा एक जो स्टेशनरी पार्ट रहता है और एक मूवेबल पार्ट रहता है, ये जो दिख रहा है हमारा। तो जो मूवेबल पार्ट रहता है उससे प्रेशर बनाते हैं, इसमें जो क्लैंप किया जाता है इसको, जो वर्क पीस पे जो ये जो हमारा दिखता है क्लैंपिंग है, ये हमारा क्लैंपिंग जो है कोई भी इक्विपमेंट है जो इसको क्लैंप किया हुआ है, इधर से ये क्लैंप किया हुआ है, ये फिक्स रहता है, ये मूवेबल रहता है, और ये प्रेशर के साथ जो है यहाँ जाता है, इसके बीच में गया, और उसके बाद जब गया तो यहाँ से जो है हमारा करंट फ्लो होता है, ये दोनों से दोनों पार्टिकुलर जगह से करंट फ्लो होके जो है वहाँ पर जो है करंट दिया जाता है, जिस कारण बीच में आर्क पैदा होता है। अगर जो है हमारा जो अपसेट वेल्डिंग है तो आर्क ना होके वहाँ रेसिस्टेंट ही पैदा होगी, और आपस में क्या हो जाएगी, वहाँ हीट होके जो आपस में जॉइंट हो जाएगी। और फ्लैश में क्या हो जाता है, बीच में जो है आर्क पैदा होती है, दोनों में अंतर ये है कि बीच में जो है हमारा फ्लैश होता है, फ्यूजन होता है, और वहाँ आपस में जुट जाती है, ठीक है। आगे हम अच्छा तरह से इसको देखते हैं फिर क्या बोलता है, फ्लाइट प्रेशर फोर्स, ठीक है, और कुछ एक मिनट में देख रहा हूँ। इसमें जो है और जो पूरा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो एप्लीकेशंस देख लेंगे हम। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, बार में, रड में, ट्यूब में, पाइप में और वायर्स को जोड़ने के लिए ये जो बट वेल्डिंग जॉइंट का प्रयोग होता है, रेसिस्टेंट बट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ठीक है। अगर और भी डिटेल में जाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।